खाना लगाऊं? नहीं, क्यों नहीं? इसलिए नहीं अजरा, क्योंकि खा के आया, एक दोस्त के साथ खा लिया था। प्लीज लाइट बंद कर दोगी, मुझे सोना है, नींद आ रही है। सुनिए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। पर मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास मुझे कुछ भी जरूरी कहने के लिए होगा। वो आज मैं निधि डॉक्टर के पास गई थी। कब? देखा, आपकी नींद उड़ गई ना। और हाँ, चीज ही ऐसी होती है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने अपना इलाज शुरू करवा दिया, आप भी अपनी जेब ढीली करने की तैयारी कर लें। पर क्यों? क्योंकि मैंने आपके चेहरे पर औलाद की ख्वाहिश पढ़ ली थी। जरा मेरी बात सुनो तो। एक तरह तो मैं मेरी फेस रीडिंग करने की कोई जरूरत है नहीं, और दूसरा मेरी अब ऐसी कोई ख्वाहिश भी नहीं है। ओके? शामिर, ख्वाहिश जा की गई है तो उसे मेरी खातिर सुनाए नहीं। डॉक्टर ने कहा है कि टेस्ट करवाएंगे, इलाज करवाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। आपको मुझे टेस्ट करवाना पड़ेगा। अब आप मुझे बताएं कि कब चलना है डॉक्टर के पास। क्या क्या क्या? मैं फिर से टेस्ट कराऊं? अभी कुछ ही महीने पहले कराए थे ना टेस्ट, और सब क्लियर आया था। मगर डॉक्टर ने कहा है कि तो आपके डॉक्टर को कहो कि भाड़ में जाए, या आराम से जाके उसको समझाओ कि मैं सही हूं, मैं नॉर्मल हूं, ना मुझे कोई टेस्ट करवाने की जरूरत है, ना ही कोई रिपोर्ट दिखाने की जरूरत है। सही है, जो भी मेहनत करनी है ना उसको तुम्हारे पे करें, मुझ पर नहीं। प्लीज लाइट्स बंद कर दो, सोना है। सो जाओ, बंद कर दो लाइट को, सो जाओ प्लीज प्लीज। नाश्ता कर लो। नाश्ता तो करते जाएं। जाने दो, मुझे देर हो रही है। मेरी बात सुने, ऐसी कौन सी नई बात कह दी मैंने जो आपको बुरी लग गई? मेरे कान ना जाने दो। शामिर, अच्छा आप खुद मुझे एक बात बताएं। इधर देखिए, क्या आपको औलाद नहीं चाहिए? क्या आपको बच्चा नहीं चाहिए? शामिल, मैं जानती हूँ आपको चाहिए, प्लीज मेरा साथ दें। डॉक्टर ने कहा है कि जरा सी कॉम्प्लिकेशन है मगर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आपको इलाज नहीं कराना ना, आप मत करवाएं। लेकिन मुझे तो इलाज करवाने दें, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, प्लीज मुझे पैसे दें। एक बात ना मेरी कान खोल के सुन लो, तुम्हारी इन फजूलियात के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है। और एक और बात, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, मुझे तुमसे ना तो औलाद चाहिए, ना ही मुझे कुछ भी और चाहिए, मुझे बस प्लीज थोड़ा सा सुकून चाहिए। वो मिल सकता है कि नहीं बता दो। और तुम कहती हो ना तो मैं तो घर पे भी नहीं आऊंगा, वो लाऊं कि ना। और हाँ, एक और बात, दोबारा कभी मुझसे ये इलाज विलाज की बात नहीं करना, कभी नहीं।